सत श्रीकाल जी, मैं संदेश अलग शर्मा, जगबाणी टीवी से तुहाड़ा सब का बहुत बहुत स्वागत है। वेला हुण तक दे हम खबरां दा, खबरां दे विस्तार विच जाण तों पहलां एक नज़र सुर्खियां ते। चंडीगढ़ पीजीआई विच लिवर ट्रांसप्लांट आईसीयू दी होई शुरुआत। चंडीगढ़ विच हुण महिलावां दे लई भी हैलमेट पाउणा होया जरूरी, पिछे बैठी सीट ते भी हैलमेट होवेगा जरूरी। अते इंपाउंड हुई वाहना दी नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। मरीजों के इलाज के लिए एक नवी पहल की गई, चंडीगढ़ के पीजीआई दे विच लिवर ट्रांसप्लांट दे आईसीयू की शुरुआत हो चुकी है। तुम दस दिए कि 30 करोड़ की लागत के नाल ए आईसीयू बनया सी ते हुण इसकी शुरुआत हुई है, जिस दे नाल मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। चंडीगढ़ पीजीआई दे हैप्टोलॉजी विभाग दे वल्लों मरीजां दे इलाज दे लई खास पहल की गई है। हैप्टोलॉजी विभाग विच लिवर दे मरीजां दे इलाज दे लई एक वक्रा सैटअप तैयार किया गया है, जिस विच आधुनिक मशीनां लगाईआं गईआं ने, जिन्हां दी मदद नाल मरीजां दे सारे टेस्ट एक ही थां ते हो सकणगे, जिस नाल ओह वक्रे वक्रे विभागां दे चक्कर नहीं कटणगे। इस तो इलावा मरीजों का इलाज शुरू होने का समा भी घट हो जाएगा, क्योंकि इन मशीनों की मदद नाल टेस्ट पहलों के मुकाबले ज्यादा सटीक अते ज्यादा तेजी दे नाल हो सकणगे। इसे कड़ी विच हैप्टोलॉजी विभाग विच एक खास मशीन लगाई गई, जिसकी कीमत 6.5 करोड़ रुपए है। लिवर दे मरीजां दी स्कैनिंग बेहद सटीक करती है, जिस नाल डॉक्टरां दे लई मरीजां दा इलाज करना काफी आसान हो जाएगा। पीजीआई दे हैप्टोलॉजी विभाग दे एचओटी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने गल करदे हुए इस दे बारे विच जानकारी दित्ती। लिवर डिपार्टमेंट का सारा सेटअप ये हमारी पुरानी बिल्डिंग नेहरू हॉस्पिटल में थी, जहां हमारा लिवर आईसीयू है, वहां नया सेट है पूरा, हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, इन्फेक्शन जिससे कम होगा, वहाँ पर इमरजेंसी एंडोस्कोपी होती है, वहाँ फाइब्रो स्कैन है और लैब भी वहाँ पर तैयार है। उसके अलावा ये फिर पूरा सेटअप हमारा नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन में है, जहाँ पे हमारे मरीज एडमिट होते हैं और एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में सारा नए नए एंडोस्कोप्स हैं, लेटेस्ट एंडोस्कोप्स हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी इधर ही होता है। उसके बाद ERCP होता है, ERCP का पूरा नया डिजिटल फ्लोरो है और स्टेट ऑफ आर्ट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी है, अल्ट्रासाउंड भी होता है। फिर हमारे ट्रांसप्लांट आईसीयू है, ट्रांसप्लांट आईसीयू में भी हेपा फिल्टर्स हैं और वहाँ पे पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स बिफोर दी ट्रांसप्लांट एंड आफ्टर दी ट्रांसप्लांट वी आर एडमिटिंग पेशेंट्स देयर। सर, हेपा फिल्टर लगाए गए हैं, तो ये हेपा फिल्टर क्या चीज़ है? हेपा फिल्टर ये होता है कि अगर एसी है तो एसी में वो जो एयर सर्कुलेट होती रहती है, तो एक मरीज को इन्फेक्शन है तो बाकियों को भी चांस रहता है इन्फेक्शन होने का। लेकिन हेपा फिल्टर में वो रीसर्कुलेट नहीं होती मशीन, जो एयर है वो मे बी 5% या 10% की मुश्किल से रीसर्कुलेट होती है, तो उससे इन्फेक्शन कम स्प्रेड होता है। सर, ये जो मशीन आपके पीछे है, ये क्या मशीन है, क्या काम करती है? ये डिजिटल फ्लोरो है, इससे ERCP करते हैं हम, एंड इससे बाइल डक्ट में जो स्टोन होता है या रुकावट होती है उसमें हम एक्सरे लेके फ्लोरो के अंदर हम स्टेंट डाल सकते हैं या स्टोन निकाल सकते हैं, काफी डीपली स्कैन करते हैं। दस दिए कि पीजीआई विच हैप्टोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत साल 1978 विच हुई सी। उस समय ये देश के सब तो वड्डे विभागों विचों एक सी। हर साल लगभग 50,000 मरीज रेफर होके पीजीआई पहुंचते ने अते डिपार्टमेंट नू अपग्रेड किया गया है। ते इस एडवांस सेंटर विच अजिहियां मशीनां हन जिस दी वरतों भारत विच पहली बार होवेगी। जगबाणी टीवी दे लई चंडीगढ़ तो भगवत सिंह दी रिपोर्ट। दुपहिया वाहन ते महिलावां नूं हैलमेट तो छूट सी, पर हुण ट्रैफिक पुलिस ने कह दिता है कि महिलावां दे लई वी हैलमेट पाउणा जरूरी है। सिर्फ ओही नहीं जिहड़ियां कि दुपहिया वाहन चला रहीआं ने, पिछे बैठी सीट ते उपर वी हैलमेट पाउणा जरूरी होवेगा, नहीं तां जुर्माना लगेगा।
चंडीगढ़ में अब बिना हेलमेट पहने महिलाओं के भी चलान होने लगे हैं और इसको लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से नोटिस भेजने शुरू कर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक मनीषा चौधरी जी हैं। मैम, जो ये लेडीज़ के चलान हो रहे हैं, ये कब से शुरू हुए हैं और पहले चरण में कितने लोगों को चलान भेजा जा रहा है? अभी जो फर्स्ट फेज़ है उसमें हम सिर्फ अभी पोस्टल चलान भेज रहे हैं उन महिलाओं को जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, या तो राइड करते वक्त, या फिर जो पिलियन राइडर्स हैं वो भी अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तो अभी जून माह तक तकरीबन 7,000 ऐसे वायलेशंस हमारे जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपने हैंडी कैमराज में कैप्चर किए हैं और उन्हीं को हम आगे अभी नोटिसेज, जो रजिस्टर्ड ओनर्स हैं इन व्हीकल्स के, उनको नोटिसेज भेज रहे हैं। अभी जो हमारे पास करंटली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो नोटिफिकेशन है हेलमेट्स के लिए, उसमें सिख महिलाओं को एग्जम्पशन है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बाकी महिलाएं जो हैं उनके लिए नोटिसेज इशू कर रहे हैं। मैम, ये पहले 2018 में भी शुरू हुआ था लेकिन काफ़ी इसका विरोध हुआ था, जो आपने कहा कि सिख महिलाओं को इसमें छूट दी गई है। एक बार फिर से ये ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दिया लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर हम देखें चौक चौराहों लाइटों पे, तो लेडीज़ चाहे वो व्हीकल चला रही हैं चाहे वो पीछे बैठी हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं पीछे जब बीच में ये मैटर 2018 में रेज हुआ था, उसके बाद कोविड भी पिछले 2 साल में रहा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस चलानिंग में कुछ समय के लिए ये काफ़ी डिक्लाइन में चला गया था। बट हमने जो हमारी लास्ट रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें ये मैटर वापस टेकअप हुआ था और ये रियलाइज़ हुआ कि ये वायलेशन महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्हें अवेयर भी करने की ज़रूरत है और इसके लिए स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव भी चलाने की ज़रूरत है। तो हमारी जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस टीम्स हैं जो हमारे चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में हैं, उनको भी हमने रोप इन किया हुआ है, वो भी लगातार इस बारे में महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं। अभी मार्च महीने में ही हमने स्पेशली एक हफ्ते की अवेयरनेस, 1 वीक लॉन्ग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था स्पेशली इसी फोकस के साथ कि महिलाएँ भी हेलमेट पहने। और अभी अगर महिलाओं में अभी भी अवेयरनेस की कमी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रीच करेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे कि अपनी सेफ्टी के लिए वो हेलमेट ज़रूर पहने। मैम, इसमें कन्फ्यूज़न है कि जो व्हीकल चला रहे हैं सिर्फ उन्हें ही हेलमेट पहनना है या जो पीछे बैठे हैं? पिलियन राइडर भी हैं। देखिए, जो हमारे मोटर व्हीकल रूल्स हैं उनके मुताबिक जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं या पीछे बैठे हैं, दोनों के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी है। मैम, जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट फेज़ में अभी कितने ये लेडीज़ को भेजा जाएगा चलान, और जो ये चलान भेजा जाएगा इसमें कोई गिनती है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो चंडीगढ़ में हर जगह कैमरास लगे हैं, हर जगह वो काउंट हो जाएंगे और कैमरे की पकड़ में आएंगे, तो सभी लोगों को भेजा जाएगा? देखिए, अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे कैमराज हैं वो हमारी प्रोसेस अभी चल रहा है कि उनके थ्रू भी विदाउट हेलमेट के जो वायलेशन है, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, वो फंक्शनैलिटी हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे जितने भी जंक्शन पे स्मार्ट सिटी के कैमराज लगे हैं उनके थ्रू भी हम ये वायलेशन कैप्चर कर पाएंगे। बट अभी हाल फिलहाल हम सिर्फ जो हमारे हैंडी कैमराज हैं जो हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स के पास अलग अलग जंक्शंस पे हैं उनके थ्रू ये वायलेशन कैप्चर कर रहे हैं। तो अभी जून माह तक हमारे पास 7,000 इस तरह के वायलेशन नोटिस में आए हैं और जिनको हम आगे नोटिसेस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और मैम, जो सिख लेडीज़ हैं उनका कैसे पता चलेगा, क्योंकि चलाते वक्त तो नहीं पता चलता, और उन्हें अगर भेजे जा चुके हैं पोस्टल कार्ड के जरिए तो वो कैसे एग्जाम्पल होंगे? देखिए, अगर सिख महिला टर्बन पहन के ड्राइव कर रही हैं या पिलियन राइडर हैं तो आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान है। बट अगर जो महिलाएं, सिख महिलाएं जो टर्बन नहीं इस्तेमाल कर रही हैं, तो हम नेचुरली नोटिस रजिस्टर्ड ओनर को भेज रहे हैं। रजिस्टर्ड ओनर को भेजने से पहले उसके नाम एड्रेस को हम चेक कर ही रहे हैं। फिर भी अगर कोई नोटिस ऐसा किसी सिख महिला को जाता है और उन्हें लगता है कि ये नोटिस उन्हें आ गया है, तो वो हमें ट्रैफिक पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, हम उसको उस इशू को रेक्टिफाई जरूर कर देंगे। और ये जितने लोगों को चलान जा चुके हैं उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, और वन टाइम में ही पे करना पड़ेगा क्योंकि वो मल्टीपल टाइम में कैप्चर हुए होंगे कैमरास में? देखिए, वो हर डेट का है, ऑफेंस तो डेट बेस्ड है। जो भी हमारे हैंडी कैमराज में ऑफेंस हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डे के लिए हैं, और अलग अलग दिन में अगर आप अलग अलग कैप्चर हो गए तो वो सेपरेट ऑफेंस काउंट होगा। और फाइन कितना? देखिए, फाइन भी इसमें 1,000 रुपीज़ का है, और आपका जो है आगे अगर आप बार बार उसमें आते हैं तो उस हिसाब से आपकी कार्रवाई होगी फिर। मैम, ट्राई सिटीज़ में काफ़ी लेडीज़ आपका ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे, उन लोगों को अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे उन लेडीज़ को स्पेशली? देखिए, मेरी लेडीज़ से ये रिक्वेस्ट है और ये आग्रह है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूर पहने, महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही जब रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, रोड सेफ्टी का जो नियम है, कायदे हैं, हमारे जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं वो सभी के लिए समान हैं और हमें उनकी पालना करनी चाहिए और अपनी सेफ्टी के लिए। इसमें ये उन्हीं की सुरक्षा और उन्हीं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ये कैंपेन कर रही है, ताकि लोगों में एक ये भावना आ जाए कि जब आप दुर्घटना का शिकार होते हैं
तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि महिला व्हीकल चला रही है या पुरुष चला रहा है, दोनों पे ही बराबर का खतरा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी महिलाओं से कि वो स्वयं अपने आप खुद भी हेलमेट पहने, चाहे वो राइड कर रहे हैं चाहे पिलियन राइडर हैं, और अपने फैमिली में भी जितनी भी महिलाएँ हैं उनको भी इनक्रेज करें कि जब वो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं टू व्हीलर तो अपना हेलमेट ज़रूर पहने। थैंक यू। तो एसएसपी ट्रैफिक मनीषा चौधरी ने बताया अभी तक लेडीज़ को एग्जम्पशन थी कि वो हेलमेट नहीं पहनती थी और बिना हेलमेट पहने अभी भी आप देख सकते हैं ट्राई सिटी में अलग अलग सड़कों पर आपको दिख जाएंगे, लेकिन अब लेडीज़ को हेलमेट पहनना कंपलसरी है, अगर वो हेलमेट नहीं पहनते तो उनके घर चालान पहुँच जाएगा। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। लॉकडाउन के दौरान वड्डी गिनती चलान किए गए थे, कई सारे वाहन अजिहे भी सी जिन्हों इंपाउंड कर दिता गया से, हुण इन्ना समा होने के बावजूद भी वह वाहन ज्यों दे त्यों ही पए ने, उन्होंने छुड़वाने के लिए कोई नहीं आया, जिस तों बाद हुण उन्होंने वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2020-21 में लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक वायोलेशन के अनेक चलान किए थे, कई वाहन इंपाउंड भी किए गए थे। अब लंबे समय के बाद कई वाहन पुलिस के पास जब्त है, लेकिन इन्हें छुड़वाने कोई नहीं आया, अब इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों के मालिकों को एक मौका दिया है कि 16 जुलाई को विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत में आए, वहां चालान भुगत कर अपने वाहन छुड़ा लें, वरना इनकी नीलामी हो जाएगी। सेक्टर 43 चंडीगढ़ जिला अदालत में ये विशेष अदालत लगेगी। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस वर्ष 2020-21 सत्र के लगभग 7400 पेंडिंग चालानों का निपटारा करने का प्रयास करेगी। वहीं सत्र में 2300 वाहन भी जब्त किए गए थे। इन वाहनों के रजिस्टर्ड मालिकों को नोटिस जारी करके इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। चालान भर वाहन छुड़ाने का एक मौका दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी चलान हुए थे, ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी व्हीकल इंपाउंड भी किए थे, वो व्हीकल वैसे ही पड़े हैं, ये लोक अदालत क्यों लगाई जा रही है इसके बारे में जरा देखिए। हमारे कोविड के टाइम में 2020 एंड 2021 लास्ट टू इयर्स में हमारे काफ़ी सारे चलान हैं जो ट्रैफिक अलग अलग ट्रैफिक वायलेशन के लिए हमने इशू किए थे, प्लस बहुत सारे व्हीकल्स भी लॉकडाउन के टाइम इंपाउंड हुए थे और वो व्हीकल्स क्लेम करने काफ़ी कम लोग आए हैं। तो हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे जो ट्रैफिक चलान स्पेशली लॉकडाउन पीरियड के जो पेंडिंग पड़े हैं उनके लिए एक लोक अदालत लगाई जाए और लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो आकर अपने चलान का भुगतान कर सकें, और जिन लोगों के व्हीकल्स इंपाउंडेड हैं वो लोग अपने व्हीकल्स आके उसको रिलीज़ करवा सकें। तो तकरीबन 7400 चलान हैं 2020 और 2021 के जिनके लिए लोक अदालत लगाई गई है। इसके समन हमने लोकल पुलिस के थ्रू जो नोटिसेस हैं वो जो ओनर्स हैं रजिस्टर्ड ओनर्स हैं उनके एड्रेसेस पे भिजवाने का प्रोसेस ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं पिछले हफ्ते से, और तकरीबन 2300 व्हीकल्स हैं जो इंपाउंडेड थे और जिनको अभी तक कोई क्लेम नहीं करने आया है, और उनके रजिस्टर्ड ओनर्स को हम नोटिसेस भी भेज रहे हैं, और ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आके अपना चलान का भुगतान करें और अपना व्हीकल रिलीज़ करवाएं। क्योंकि लीगली अगर हम उन्हें एक टाइम पीरियड हमारा फिक्स है 6 मंथ्स का, अगर हमने 3 नोटिसेज हम उनको भेज रहे हैं सभी रजिस्टर्ड ओनर्स को, उसके बाद भी अगर कोई ओनर अपना व्हीकल रिलीज़ करवाने नहीं आता तो हमें उन व्हीकल्स को ऑक्शन करना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी सिटीजन से चंडीगढ़ के जिनके इस पीरियड में चलान हुए हैं या व्हीकल्स इंपाउंड हुए हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ और कोर्ट्स के थ्रू जो है अपने चलान का भुगतान करें। 16 तारीख को ये लोक अदालत स्पेशली ट्रैफिक वायलेशंस के लिए है, तो इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फायदा उठाएं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी सिटीजंस को। मैं जो व्हीकल इंपाउंड है उनका तो ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन जो चलान अगर पे नहीं करते तो वो उनका क्या होगा? देखिए वो कोर्ट्स को पावर है कि वो चलान डिसाइड कर सकते हैं, उसमें जो भी अगर जो वायलेटर हैं वो नहीं आते हैं और वो उसको कोर्ट्स की पावर है, डिस्क्रिशन है कि वो उस चलान का फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को इस बारे में अवेयर करें कि ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली हमने जो वायलेटर्स के लिए ही रिक्वेस्ट करके ये अदालत लगवाई है, और इसका फ़ायदा उठाएं और अपने चलान्स की क्लियरेंस करें। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वर्ष 2020 में हुए अन्य ट्रैफिक चलानों को भी ऑफेंडर्स लोक अदालत में भर सकते हैं। इंपाउंड वाहनों की सूची चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
मामूली जी कहा सुनी कदों वड्डा विवाद बन जाए इस बारे किसी को पता ही नहीं लगता। चंडीगढ़ के सैक्टर 37 दे विच भी कुछ अजिहा ही होया। दो नौजवान एक हेयर ड्रायर दे करके आपस दे विच भिड़ गए ते ये जिहड़ी भिड़त है इन्नी ज़्यादा वध गई कि एक नौजवान हस्पताल दे विच भर्ती है। उधर चंडीगढ़ के भी गुरु पूर्णिमा बड़ी ही धूमधाम के मनाई गई। मंदिरों के रौनक देखने मिली, श्रद्धालु वध चढ़ के मंदिर के मत्था टेकन पहुंचे। ਵਾ 13 ਜੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸਾਧ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਚ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਸਾਈ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਈ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੰਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਈ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। इस दे नाल ही DGP ने कहा कि सानू अपनी जिंदगी विच सब तो पहला अपने माता पिता दा कहना मानना चाहिदा है अते जिंदगी विच अग्गे वधना चाहिदा है। बड़ी भूमिका भी यही होती है कि जो समाज में बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनका पूरे समाज को मिलकर ख्याल रखना चाहिए। वही हमारे पहले गुरु हैं, उन्होंने हमें गाना सिखाया, उन्होंने तो उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जो उनके प्रति आस्था सदैव बनी रहे। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਸ ਕੀ ਭਾਂਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋਲਾ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਸੁਬਹ 4:30 ਵਜੇ ਸੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਰ ਸਨਾਨ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਭਕਤੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਸੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਜੋ ਹਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲਾਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਕੋ ਸਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਾ ਚਲਾ ਸੁਬਹ ਕਾ, ਜਿਸਕੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਥੇ। अभी दोपहर का होगा लंगर। दोपहर में हर वर्ष की भांति इस बार भी 250-300 साधु आते हैं, जिनको कि हम यहाँ पर वस्त्र देते हैं, भोजन कराते हैं और दक्षिणा देते हैं और गुरु पूर्णिमा उनके साथ हम मनाते हैं। शाम को पंकजराज जी आ रहे हैं, भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा, उसके बाद भव्य भंडारा होगा रात को प्रभु इच्छा तक। सर, आज यहाँ देखने को मिला है जिस तरह से साईं भगवान गुरु के वस्त्र पहनाए गए और मुकुट पहनाया गया, तो उस टाइम लोगों की आंखों में आंसू भी थे गुरु के। लोगों की श्रद्धा है, लोगों के अपने भाव हैं, वो साईं में सब कुछ देखते हैं, अपना भगवान देखते हैं। और आज जैसे कि दारों में सुबह से ही एक बार भी यहाँ पे खाली नहीं हुआ, रश पूरा चल रहा है और इसी तरह शाम को भी पूरा रश होगा। मंदिर को फूलों से सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है, जो रात को अपने आप में एक बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य होगा। हम आज गुरु पूर्णिमा है, हम बहुत श्रद्धा भाव से गुरु जी को जय करने आए हैं और उनसे विनती करने आए हैं कि हमें हमेशा सही राह दिखाएं, हम सही कर्म करें और सही राह पर चले। हम उन्हें धन्यवाद करने आए हैं, उन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी बख्शी है और हम उनके सच्चे मन से धन्यवाद करके आज का दिन उनके नाम अर्पित करना चाहते हैं। 10 दिन दिया कि इस दिन महर्षि दिव्यास का जन्म होया सी, जो व्यक्ति सानू प्रेरणा देता है, मुश्किलों तो बचन का तरीका दसता है, मार्गदर्शन करता है, सही अते गलत का फर्क समझाता है। ओ गुरु है जिसनु पूरे देश विच मनाया जा रहा है अते गुरुआं दी पूजा की जा रही है। जगबानी टीवी लई चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट। बीते दिन गर्मी तो बाद अज चंडीगढ़ वासियां नू थोड़ा सुख दा सा आया, क्योंकि हल्की बारिश के नाल चेहरे ते मुस्कुराहट देखण मिली, गर्मी तो राहत मिली। तापमान की जो गल की जाए तो अज वध तों वध तापमान 36.1 डिग्री सैलसीयस, घट्टो घट तापमान 27.4 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। ताज़े इस बुलेटिन दे विच पास से नहीं, फिर होगी मुलाकात। सत श्री अकाल।